चलिए तो मुझे भी एक डाउट है जो फोर्टनाइटली टेस्ट हुआ था उसमें से। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, यस सर, सर उसमें क्वेश्चन था कि ए माइनस ए मतलब ए कॉमा माइनस ए ये कौन एक सी मिनट लाइन एक मिनट, को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन सर नंबर तो मैं एक बार चेक करती हूँ। हाँ ठीक है। सर जो चैप्टर्स हमारे सिलेबस में से कटे हैं सर, वो JSTSC और NTSC में तो आएंगे ना हमारे? हाँ हम लोग पूरा ही करेंगे, हम लोग सारे चैप्टर्स करेंगे और बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाएगा, टाइम से पहले ही यस सर, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए यस सर, टेंशन की कोई बात नहीं। सर 183। एक मिनट, 183 में क्या इश्यू है? सर इश्यू नहीं है, बस उसको निकालना कैसे है एक बार वो बता दीजिए, क्योंकि सर ए माइनस ए दोनों ही इक्वल है, मतलब वाई 1 एंड माइनस 1, तो ये कौन सी लाइन पे लाई करेगा, ये तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा। डी ऑप्शन होगा इसका, ये तो हम लोगों ने शायद क्लास में भी किया था, ये है ना क्वेश्चन, कह रहा है माइनस ए कॉमा माइनस ए कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इस पे लाई करेगा, एक्स की जगह पे ए रखेंगे और वाई की जगह पे माइनस ए रखेंगे तो जीरो नहीं हो जाएगा? यस सर, तो ये ए कॉमा ए माइनस कहाँ लाई करेगा? इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ए कॉमा ए कहाँ लाई करेगा। एक्स इज इक्वल टू वाई के ऊपर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट है किसी को? नो सर, देखो ये है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें तो की थी, आज हम लोग फिर से थोड़ा सा देखते हैं इसको। ओके इसमें ये सर, थ्योरेटिकल है, ये हाँ ये थ्योरेटिकल है, ये जो है ना तुम्हारा ये जो चैप्टर है ये बेसिकली जैसे फिजिक क्या कहते हैं केमिस्ट्री और सोशल साइंस होते हैं ना वैसा ही है ये, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो इसमें देखो दो चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक है पोस्टुलेट्स और दूसरा है एक्जियम। ठीक है, पोस्टुलेट जो है रिलेटेड टू ज्योमेट्री है, ये रिलेटेड टू ज्योमेट्री जो हम लोग करने जा रहे हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री इससे रिलेटेड चीज़ें हैं ये। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं, एजम्पशंस होते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ठीक है, जैसे देखो लिखा हुआ है ना कि यूक्लिड ने जो है यूज द टर्म पोस्टुलेट फॉर द एजम्पशंस दैट वर वेरी स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। एजम्पशन क्या था? एजम्पशन ये था कि पॉइंट जो है एक डायमेंशनलेस एंटिटी है, प्लेन जो है वो एक स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, जो चारों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। लाइन जो है वो एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि लेंथ तो होती है बट थिकनेस नहीं होती है, ब्रेड्थ नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना पोस्टुलेट्स में कंसीडर करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें थी ये सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एजम्पशंस होते हैं, जो चीज हम लेट कर लेते हैं, जिसका हम प्रूफ नहीं देते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और वो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो उसको पोस्टुलेट कहा जाता है। ठीक है, और जो जनरल बातें हैं, बहुत सारी चीजें जनरल बातें होती हैं, जैसे जनरल बात क्या होती है कि दो चीजें अगर इक्वल हैं, टू और टू बराबर होते हैं, सबको पता है, दोनों साइड में अगर हम वन ऐड सर, कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड में वन ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जनरल यस बात है, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, बहुत ही जनरल बात है ये, लेकिन ये फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि दो चीजें अगर पहले से ही बराबर दे रखी हैं, ठीक है, तो दोनों साइड में हम सेम चीज आ रही है। जैसे देखो ना मान लो कि किसी एक तराजू देखा है तुम लोगों ने कहीं पर दुकान में तराजू, अब तो वैसे तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक यस वेइंग सर, मशीन होता देखा है, है। लेकिन इस तरीके से तराजू अगर है, अगर मान लो यहाँ पर 1 केजी का उसने डाल रखा है लोहे का वेट, और इधर 1 केजी शक्कर डाल रखा है, तो इधर जो भी उसने कुछ कह सकते हैं कि ग्रोसरी डाल रखी है, अब इधर वो अगर 1/2 केजी का और वेट डाल देगा
ठीक है, और इधर भी हाफ के जी और ग्रोसरी डाल देगा तो बैलेंस रहेगा, कहने का मतलब ये है। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एजम्पन्स होते हैं उसको हम पोस्टुलेट कहते हैं, और जनरल जो एजम्पन्स होते हैं उसको हम एक्जियम कहते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में कहीं पर भी यूज हो सकता है। अब देखो एक्जियम क्या होता है, ये देखो दिया हुआ है, ये एक्जियम जो है ये इक्लिड्स एक्जियम नॉट इन हिज ऑर्डर, मतलब जो उसकी किताब जो मैंने आपको बताई थी कि 250-300 पेज की किताब है, उसमें से 2-3 पेजेस आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर अभी, तो ऑर्डर नहीं है, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसे ही यूक्लिड के एग्जियम दिए हुए हैं, 7 एग्जियम्स दिए हुए हैं जो हमें याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए क्या है वो एग्जियम्स, देखो बहुत ही सिंपल है लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए ये चीज। नहीं याद रहता है तो वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट याद रहता है तो अच्छी बात है। पहला एग्जियम ये है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये क्या है, ये क्या है भाई, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, इसका क्या मतलब हुआ, समझ में आया किसी को? सर मुझे आया, मैं बता सकता हूँ बोलो सर। क्या सर आया, क्या समझ में आया? जैसे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, मानते हैं कि हमारे पास एक लाइन है ना, दो लाइन उसी की सेम है, उसी की सेम जैसी है, मतलब उसी जैसा लेंथ भी है दोनों लाइंस का, दोनों लाइन सेगमेंट का, मतलब एक लाइन सेगमेंट है वो 5 सेंटीमीटर की है, और दो लाइन सेगमेंट और ले लिया एकदम उसकी तरह है, उसका भी 5 सेंटीमीटर है एकदम उसकी तरह है, तो वो दोनों भी इक्वल हो गई। वेरी गुड वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। ये यही यही बात है हाँ, कि एक चीज है जैसे कहीं पर तुमने देख लिया कि एक बिस्किट का पैकेट होता है गुड्डे 10 रुपए वाला, ठीक है, एक दूसरा भी है वैसा ही है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यही कहना चाह रहे हो, इतनी ही सिंपल बात है। फिर लिखा हुआ है सेकेंड, सेकेंड एक्सियम क्या है, देखो ये एक्सियम हम लोग कर रहे हैं अभी, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सियम कर रहे हैं, बाद में पोस्टुलेट करेंगे। पोस्टुलेट क्या होता है और एक्सियम क्या होता है बच्चों, एजम्पन्स होते हैं। पोस्टुलेट और एक्सियम्स दोनों क्या है, एजम्पन्स है, मतलब लेट करते हैं हम चीजों को, लेट करते हैं चीजों को समझने से पहले ना कुछ चीजों को लेट किया जाता है, ठीक है, कुछ चीजों को डिफाइन किया जाता है, तो वही चीज है पोस्टुलेट और एक्सियम्स। तो हम लोग अभी एक्सियम कर रहे हैं, पहला एक्सियम क्या था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, दूसरा क्या है इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर दो चीजें पहले से ही इक्वल दे रखी हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको आपको कोई कह दे कि ए और बी दो चीजें हैं और दोनों बराबर हैं, तो दोनों साइड में अगर वन ऐड कर देंगे तो भी बराबर ही रहेगा, ए प्लस वन यस इक्वल्स वन सर, के ही बराबर है। तो ये था सेकंड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल, मतलब ए और बी अगर बच्चों बराबर हैं तो उसमें से दोनों में से आप अगर वन सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ए माइनस वन और बी माइनस वन यही आपका रिमाइंडर है, फिर भी रिमाइंडर वही का मतलब रहेगा। जो बच जाएगा, जो बचेगा, रिमाइंडर का मतलब जो बच गया माइनस करने के बाद, तो माइनस करने के बाद जो बच गया तो वो दोनों भी बराबर ही होंगे। तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, और ये लेकिन फैक्ट है। ये देखो कई बार होता क्या है, मैं बताऊं तुम लोगों को, तुम लोगों को अभी हो लगेगा कि झूठ बोल रहा हूं मैं, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो अब ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कौन सी बड़ी बात बता दी, लेकिन यही बात मैं कभी कभी क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ ना और लिख देता हूँ ये बात, मतलब बिना ये इस चीज को बताए कि ये एक्सियम एक्सियम है, मैं ऐसा कहीं कैलकुलेशन में कर दूंगा ना आगे चल के, तो बच्चा कहेगा कि नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, ठीक है, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। और मैं जो अभी समझा रहा हूँ ना ये अब तुम लोगों को अभी मेरे ख्याल से समझ में भी शायद पता ना आए कि ना आए, लेकिन ये चीज मैं फील करता हूँ कि ये बहुत ही बेसिक चीज है कि भाई सेम अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उसमें से कोई चीज अगर हम माइनस कर देंगे तो इक्वल ही रहेगा वो, ठीक है, और ये कई बार फेस करते होंगे वैल्यूज तुम लोग इक्वल तो दोनों सेम ही रहेंगे सब, वाई में से 1 घटा दो तब भी सब वैल्यू तो सेम ही रहेगी सब 4। हाँ, तो लेकिन बच्चे जो है ना समझते नहीं रहते हैं, और ऐसा नहीं कि एक आध बच्चा, कई सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं इस चीज को, बहुत ही बेसिक फैक्ट है ये, तो ये ध्यान रखना है। तो इस चीज को ऐसा नहीं कि लाइटली लेना है, सीरियसली लेना है इन चीजों को, कि ये चीज जो है फैक्ट्स हैं, इसको आपको सही रखना है, ओके, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद फोर्थ है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब ये थोड़ा सा कह सकते हैं ज्योमेट्री से कनेक्टेड है, मतलब ये कि अगर मान लो मैंने एक सर्कल ले लिया 3 यूनिट रेडियस का, 3 सेंटीमीटर रेडियस का सपोज ले लिया हमने, और एक दूसरा भी सर्कल लेंगे 3 यूनिट का, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का, तो ये क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा, अगर मैं इस सर्कल को उठा करके इसके ऊपर रख दूंगा तो कोइंसाइड नहीं कर जाएगा, कोइंसाइड कर सर जाएगा, हाँ, यस सर, थिंग्स को विच कंसाइड कर कोइंसाइड, जाएगा। हाँ थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, मतलब जब एक दूसरे को कोइंसाइड कर दे एक दूसरे को कोई दो चीजें,
तो दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे ही ट्राइंगल में भी आप समझ सकते हो, जो कंगृएंसी ट्राइंगल का सीखा होगा आपने, ये अगर एक ट्राइंगल है और एक इतने ही साइज का एक और ट्राइंगल हमने बना दिया, ठीक है, और दोनों कोइंसाइड कर गए हैं, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स यस आपस सर, में इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कंग्रुएंट होंगे और इक्वल होंगे। ये था फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ये भी बड़ा अच्छा सा कह सकते हैं एक्सियम है कि जो कोई यस सर, चीज सब जैसे एक सर्कल है, फ्रैक्शन। यस सर, हाँ बिल्कुल सब बिल्कुल, फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन है और इसको मैंने आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आधे पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट, यस ये वाला सर, पार्ट जो है, वन बाय टू तो छोटा ही हाँ होता है हमेशा, 1 से। बिल्कुल। तो ये जो है, ये जो है, ये एक पार्ट है। ये किसका पार्ट है, इस पूरे का पार्ट है, तो छोटा ही होगा उसका उससे। तो ये फिफ्थ नंबर था। उसके बाद है सिक्स नंबर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये है कि ए अगर ट्वाइस ऑफ बी है और सी अगर ट्वाइस ऑफ बी है, ए भी अगर बी का डबल है और सी भी अगर बी का ए और डबल सी है, इक्वल होंगे। ठीक है, बिल्कुल, ए और सी फिर बराबर हो जाएंगे। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन यस क्वेश्चन में सर, जब ये सॉल्व होता है तो कई बार बच्चे कहते हैं नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, ठीक है। तो वहां पर ये चीज आप समझो इस चीज को, कि ये यूक्लिड का एक्सियम ही वहां पर काम कर रहा होता है। ए इज इक्वल टू टू बी और सी इज इक्वल टू टू बी है, ठीक है, दो चीजों मतलब डबल डबल दिया हुआ है तो दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। और यही चीज लिखा हुआ है फिर दूसरे तरीके से कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब अगर एक्स कहीं पर सपोज जेड बाई टू है और वाई जो है ये भी जेड बाई टू है, तो भी एक्स और क्या हो एक्स जाएंगे, और वाई वाई इक्वल इक्वल है। हो जाए, एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज था, ये बेसिक, बहुत ही बेसिक चीजें दी हुई है, साथ ही दिए हुए हैं इसमें, और भी इसमें हो सकते थे मेरे ख्याल से, दिया होगा इक्लिड ने लिखा होगा, लेकिन इतना नहीं दिया हुआ है हमारी बुक में, तो इतना ही सफिशियंट है, इतना ही हमें जानना है। मुझे भी नहीं पता आगे क्या होगा इसमें, और भी दिए होंगे एग्जाम्स। तो दिस कॉमन नोशंस रेफर टू मैनेजर ऑफ सम काइंड, द फर्स्ट कॉमन नोशन कैन बी अपना प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर की बात हो रही है, मतलब एक एग्जाम जो है ये, अच्छा, दिस कॉमन नोशंस रेफर टू मैग्नीट्यूड ऑफ सम काइंड, फर्स्ट कॉमन नोशन कुड बी अप्लाई टू द प्लेन फिगर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ एन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ बोलो। कोई आवाज आ रही है पीछे से, पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है कोई, जब आप बोल रहे हो तो। नहीं सर, क्लियर। कोई ऐसा आवाज आ तो रही है आ रही है पीछे। पीछे यस से। सर, आवाज आ रही है, अभी भी आ यस रही है, आवाज आ अभी रही है सर, बच्चे माइक पीछे बंद से कर दो। घर घर आवाज आ रही है। आपकी स्क्रीन, हाँ रुको, स्क्रीन तो अभी मैंने वो पीडीएफ ओपन किया है इसलिए जा रही होगी, फिर एक से मिनट रुक जाओ आई। बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अभी भी आ रही है आवाज, अभी भी आ रही है। हाँ यस सर, हाँ आ रही है अभी भी थोड़ी थोड़ी। सर आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। बेटर ऐसा पहले से। अच्छा पहले से बेटर है, देखो अब सही हो जाएगा, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ ना तो सही हो जाएगा, उसमें आवाज दब जाएगी। मे बी फैन की आवाज आ रही होगी मुझे लग रहा है, यस सर, पंखे जैसी आवाज आ रही है क्या, पंखे जैसे, यस सर। हो सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूक्लिड्स फाइव पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट क्या था याद करो, पोस्टुलेट क्या था बच्चों, ज्योमेट्री से रिलेटेड एजम्पशंस। एजम्पशंस हाँ रिलेटेड टू ज्योमेट्री। एजम्पशंस हाँ एजम्पशंस, रिलेटेड टू ज्योमेट्री। बिल्कुल एजम्पशंस रिलेटेड टू ज्योमेट्री। तो सबसे पहला एक्सियम पोस्टुलेट, मतलब एक्सियम और पोस्टुलेट एक ही चीजें होती हैं बेसिकली देखा जाए तो, एक्सियम्स कहें या पोस्टुलेट कहें दोनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे हम एक कई बार कहते हैं लेट लेट कर लेते हैं और कई बार कहते हैं अज्यूम कर लिया, तो वो एक ही वही बात है कि एजम्पशन और पोस्टुलेट सेम चीजें हैं। ये जो है ये जनरल मैथमेटिक्स के लिए यूज होता है और पोस्टुलेट जो है वो ज्योमेट्री के पर्पज से यूज होता है।
ज्योमेट्री के लिए जनरली ये यूज करते हैं पोस्टुलेट्स को। पहला पोस्टुलेट है, देखो बच्चा ध्यान से, ये बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें इस चैप्टर में ना कुछ ज्यादा कुछ मुझे समझाने लायक है नहीं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, खाली सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ? एक पॉइंट से है ना दो पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट कहीं पर भी दिया हुआ है, मान लो एक पॉइंट ये ए दिया हुआ है ठीक है, और दूसरा पॉइंट बी सी डी कहीं पर भी हम ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं, तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देख पा रहे हो आप आई थिंक, है ना, एक पॉइंट ए दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट हम कहीं पर भी ले ले बेटा, तो इस तरीके से लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ये कहना चाह रहा है, आई होप समझ होगा। तो ये बहुत ही बेसिक है, तो ये अच्छा, लेकिन ये चीज आपको लेट करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा बाद में क्वेश्चन कर देगा, अच्छा ऐसे कैसे कि एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट लाइन कैसे निकल सकते हैं। तो यही बात तो है कि इस चीज को हमें फैक्ट मानना पड़ेगा, इस चीज को हमें लेट करना पड़ेगा, इस बात को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं कि एक पॉइंट है तो उससे हम हजारों करोड़ों लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं, इस बात को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, इस चीज को हमें पोस्टुलेट की फॉर्म में रखना पड़ेगा, मतलब इस चीज को हमें अज्यूम करना पड़ेगा, हमें इस चीज को फैक्ट रखना पड़ेगा, मतलब कह सकते हैं कि इसको हमें सही मानना पड़ेगा, मानने के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो ये बात थी यहाँ पर एक्सियम। सर हमने ग्राफ में भी किया था ना सर, इनफिनिट लाइंस निकल सकती हैं। हाँ ठीक है, अच्छा ये एक्सियम 5.1 क्या दिया हुआ है, देखो तो एक्सियम दिया हुआ है, फिर इट्स 5 पोस्टुलेट तो 1 ये था, अब इसके बाद क्या है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, गिवन टू डिस्टिंक्ट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो दो पॉइंट से यूनिक लाइन पास होगी, ए और बी दो पॉइंट्स अगर आपको दिया हुआ है तो दो पॉइंट से यूनिक लाइन पास होगी, ये है आपका एक्सियम 5.1, एक्सियम 5.1 दिया हुआ है इसमें। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। इसमें भी डाउट है, बोलो इसमें भी डाउट है भाई? नो सर। ठीक है, पोस्टुलेट टू देखते हैं बच्चों, पोस्टुलेट टू, एक मिनट, ये रहा बच्चों पोस्टुलेट टू। सर इन्होंने तो कहा था कि एक्सियम मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं होता, पर वो तो ज्योमेट्री का ही था। कौन सा? नहीं पोस्टुलेट जो था, नहीं नहीं वो एक्सियम जो था ना, एक्सियम हाँ हाँ, तो ये एक्सियम जो था ये बेसिकली क्या था, देखो पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट क्या हमने सीखा कि स्ट्रेट लाइन जो है वो वन पॉइंट से निकल सकता है, तो वो उसी से ना वो एक्सियम बनाया गया था, एक्सियम जो था वो उसी से बनाया गया था, इसीलिए वहां पर उसके सामने लिख दिया गया था। हमने क्या देखा था कि एक पॉइंट ए है तो यहाँ से हम बी से भी पॉइंट को पास कराते हुए लाइन बना सकते हैं, सी से भी पास करा के बना सकते हैं, इसका मतलब ये निकल के आता था कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते हैं, ये था पोस्टुलेट। एग्री? ओके सर। हाँ अब इससे एक्सियम ये बनता है कि अगर आपने एक पॉइंट ये ले लिया, ए ले लिया और दूसरा पॉइंट बी ले लिया तो आप उससे एक ही लाइन पास करा सकते हो, ठीक है, तो ये उस पोस्टुलेट से निकला हुआ फैक्ट था, तो इसीलिए उसको एक्सियम नाम दे दिया था। तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स, ठीक बात है कि एक्सियम को जनरली ऐसे एक वर्ड यूज किया जाता है ना, फिर से वहां पर देखो बार बार मैंने यूज किया होगा आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है, मैं ध्यान है मुझे कि मैंने यूज किया था जनरली, जनरली पोस्टुलेट के लिए जो है वो ज्योमेट्री के लिए यूज होता है, ठीक है, वैसे दोनों का मतलब सेम ही होता है। हाँ जनरली वर्ड यूज किया होगा मैंने, अगर नहीं किया है तो करना चाहिए था मुझे, वो पोस्टुलेट जनरली ज्योमेट्री के लिए यूज होता है। अच्छा इसमें एनसीईआरटी में भी यही बात लिखी हुई है, ठीक है, तो हमें इस बहस में नहीं पढ़ना है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, एक्सियम और पोस्टुलेट दोनों का मतलब सेम ही है कि भाई एजम्पशंस है वो, ठीक है। हाँ पोस्टुलेट को जनरली ज्योमेट्री के लिए यूज किया जाता है और एक्सियम को इन जनरल पूरे मैथ्स के लिए किया जाता है, तो ठीक है पूरे मैथ्स के लिए किया जाता है तो और भी अच्छी बात है ना, उसमें ज्योमेट्री तो आती ही है, ठीक है। तो पोस्टुलेट टू है, पोस्टुलेट टू देखो क्या लिखा हुआ है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, तो ये बहुत ही सिंपल है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है कहीं पर, तो लाइन सेगमेंट को हम दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, yes, ये कह रहा है,
तो ये कौन सी बड़ी बात होगी। हमने पहली बार लाइन बनाई थी सर, तब ये सीखा था इनफाइनाइट होती है। वेरी गुड, सही सीखा था तुमने। ठीक है देखो क्या लिखा हुआ है, नोट दैट, ये देखो ये अच्छा इंटरेस्टिंग बात तुम्हें, देखो कहानी की तरह समझो इसको। नोट दैट व्हाट वी कॉल अ लाइन सेगमेंट नाउअडेज इज व्हाट यूक्लिड कॉल्ड अ टर्मिनेटेड लाइन, है ना। यूक्लिड को नहीं पता था, यूक्लिड इतना स्मार्ट नहीं थे आई थिंक कि वो लाइन सेगमेंट कहते। उन्होंने क्या नाम रखा था लाइन सेगमेंट का, टर्मिनेटेड लाइन। लाइन सेगमेंट को वो क्या कहते थे, टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डे टर्म्स द सेकेंड पोस्टुलेट सेज दैट अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड ऑफ टू फॉर्म अ लाइन। ठीक है, मतलब एक लाइन सेगमेंट से, अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी है तो इससे हम एक लाइन बना सकते हैं, ये कहने की कोशिश की जा रही है आपको पोस्टुलेट से। ऐसा एक्सटेंड कर देंगे तो इनफाइनाइट लाइन हो जाए, बड़ा करके पढ़ा दिया इन्होंने। हाँ और आगे जाओगे और आगे तो खैर नहीं पढ़ाया जाएगा कहीं तुम्हें। मैंने कहा ना कि ये 200 250 250 या 300 पेज की किताब है, उसमें से उसने दो तीन पेजेस में से निकाल करके और ये चैप्टर बना दिया है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। वो किताब मैंने काफी साल पहले देखी थी। कंक्लूजन है मतलब, कंक्लूजन नहीं है, उसमें से कुछ पेजेस निकाल करके डाल दिए हैं ऐसे ही रैंडमली। कंक्लूजन तो होता है कि पूरे किताब का कह सकते हैं कि पढ़ने के बाद जो मतलब निचोड़ निकलता है वो, लेकिन वो ये नहीं है, उसमें और भी कई कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ पोस्टुलेट थ्री देखो, ये पोस्टुलेट टू समझ में आ गया होगा सबको क्या है। यस सर। हाँ तुम्हें ना क्वेश्चन जो इसमें एक्सरसाइज में कहीं कहीं पर क्वेश्चन आएगा वहां पर सीधे सीधे पूछा जाएगा कि ये बताओ कौन से एक्सियम है और कौन सा पोस्टुलेट है, तो नंबर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो सात जो वो एक्सियम किए थे ना वो याद रहने चाहिए तुम्हें, ताकि वो तुम नंबर लिख सको। खैर नंबर नहीं याद रखोगे तो उतना कोई नहीं होगा नुकसान, लेकिन देखते हैं अभी एक्सरसाइज करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा पोस्टुलेट थ्री देखो बच्चों, पोस्टुलेट थ्री देखते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एनी सेंटर का मतलब ये नहीं होता है कि ये सेंटर और ये सेंटर है। ठीक है, बड़ा छोटा सेंटर से मतलब नहीं होता है। एनी सेंटर का मतलब होता है कि आप सेंटर को किसी भी पोजीशन पे ले सकते हो, यहाँ पर भी आप चाहो तो सेंटर को ले सकते हो, और आपका मन है तो सेंटर को आप यहाँ भी ले सकते हो, और आप चाहो तो सर्कल छोटा भी बना सकते हो, चाहो तो सर्कल बड़ा सा भी बना सकते हो। ठीक है, ओ बनानी सही से, हाँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से छोटा सर्कल भी बना सकते हो, बड़ा सर्कल भी बना सकते हो, किसी भी रेडियस का बना सकते हो, कहीं पर भी सेंटर ले सकते हो। ठीक है, सेंटर की पोजीशन आप कहीं पर भी ले सकते हो, तो आई होप ये समझ में आया होगा। पोस्टुलेट फोर है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो राइट एंगल का मतलब तो सबको पता है ना, जब दो रेस या लाइन सेगमेंट जो है, लाइन जो है वो 90 डिग्री एंगल पे कट करते हैं, तो मतलब ये कि ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो राइट एंगल बनेगा चाहे। ठीक है, या फिर ये राइट एंगल है, ये दोनों ही एंगल्स बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये कहने की कोशिश की जा रही है आपसे, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। सर यस सर, हाँ लेकिन हाँ, बोलो। एक बात मुझे पूछनी है कि जैसे कोई एंगल होता है तो उसमें एंगल के अलावा वो तो बनता ही रेस है ना, लेकिन सर रेस लाइंस होती है एक तरीके से कहा जाए तो सर लाइन तो जहाँ एक्सटेंड करो वहाँ एक्सटेंड हो जाएगी, तो वो इक्वल कहाँ से हो गया, वो तो जितना एक्सटेंड करेंगे उतनी जाएगी रेस उसकी जो है। एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल तो ये देखो फिगर होता है ना बेसिकली, ये तो तुमने लिया हुआ है इतना, इसीलिए देखो एंगल होता क्या है, उसके लिए तो एंगल को डिफाइन करना पड़ेगा कि एंगल क्या होता है। तो हम कहते हैं कि एंगल जो है वो एक रे को, जब ये रे है इस रे को रोटेट करते हैं तो जो फिगर बनता है ना उस फिगर को एंगल कहते हैं। ठीक है, तो हमने अगर रे का साइज छोटा कर दिया, पहले इतना बड़ा था मान लो, देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो मैं दोबारा इस पर पेन चला रहा हूँ, ठीक है ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा रे लिया है मैंने, मान लो मैंने रे को बड़ा सा ले लिया, यूं ले लिया, इतना बड़ा रे ले लिया। अब इसको इसी अमाउंट से जितना इसको रोटेट किया था पहले, मैंने इस केस में जितना रोटेट किया था उतना ही रोटेट करूंगा, लेकिन लाइन रे जो है वो देखने में बड़ा लग रहा है उससे रोटेट करूंगा, तो एंगल थोड़ा ना चेंज होगा, एंगल तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर, वही बात है कि ये जो है ना ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल तुम बड़े देखने में बड़े लाइन से, ये देखने में क्या, देखने में वो भी एक गलत बात बोल रहा हूँ मैं कि देखने में, जैसे ही मैं लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं, देखो ऊपर यहाँ देखो, ये देखो बॉक्स में, या लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, इतना बड़ा बना के ड्रॉ कर दूं, इन दोनों का मतलब सेम है। ठीक है,
दोनों का मतलब सर सेम है, जैसे ही एरो लग गया ना, तो एरो लगा दिया तो समझ जाओ कि ये लेफ्ट में और राइट दोनों साइड में इनफाइनाइट तक है, और सर इसमें भी एरो लगा हुआ है तो ये भी इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है। तो अगर मैं इतने छोटा बना दूं चाहे बड़ा बना दूं, दोनों का मतलब तो सेम ही है कि भाई ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो इसीलिए ये दोनों केसेस जो है ये उसी तरीके से है, कुछ की बड़ी सी लाइन सेगमेंट जैसी दिख रही है, दिख रही है, वो है नहीं बेसिकली, है तो दोनों इनफाइनाइट ही। ये छोटी वाली जो लाइन दिख रही है तुम्हें, ये भी इनफाइनाइट तक है, ये जो है ना ये भी इनफाइनाइट तक है, और ये वाली भी इनफाइनाइट तक ही है, ठीक है। लेकिन देखने से लग रहा है कि ये एंगल छोटी एंगल है, ये एंगल बड़ी एंगल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों एंगल्स सेम है। राइट एंगल है सर, तो अगर दोनों लाइन एंगल, सेगमेंट दी हुई होगी तब हाँ, लाइन सेगमेंट के केस में भी, लाइन सेगमेंट के केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल बनाने के लिए तो वो आपको एक्सटेंड तो कर ही सकते हो उसको, यस लाइन सेगमेंट को, तो कोई उससे खास फर्क नहीं स्ट्रेट वन पड़ेगा। से कर सकते हैं। इसके बाद है, ये फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। ये क्या इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा हुआ है भाई? ये कहना चाह रहा है कि अगर दो लाइन्स हैं, ठीक है, और ये दो लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आता है कि दो जो एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों का सम 180 से कम है। इफ अ स्ट्रेट लाइन, मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम आपका, इस स्ट्रेट लाइन का नाम एल है, जो दो बाकी दो स्ट्रेट लाइंस और हैं एम और एन, उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, उसके ऊपर आ गिरे हैं, ठीक है, आकर गिर गए हैं, एक तरह से कह सकते हैं कट कर रहे हैं, फॉल का मतलब यहाँ पर कट कर रहा है, फॉलिंग का मतलब कट कर रहा है उन दोनों लाइंस को। यस इफ अ सर स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड का मतलब अगर राइट साइड में लिया है तो राइट साइड में ही जो दो एंगल्स बनेंगे बच्चों, ये दोनों एंगल्स मान लेते हैं एक्स और वाई है, तो दोनों एंगल्स एक्स और वाई है, अगर एक्स प्लस वाई, ठीक है, लेस देन 180 है, लेस देन टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स का मतलब 180 डिग्री, तो लेस देन 180 डिग्री है, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स, ठीक है। मतलब ये कि इसको प्रोड्यूस करेंगे अगर इस लाइन को और इस लाइन को, तो कहीं पर जा करके ये मिल जाएंगे। देख पा रहे हो इस बात को, यस समझ पाए सर, बेटा? यस सर, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, इंटरसेक्ट करेंगे और सेम साइड में, उसी साइड में एक्सटेंड करने पे मीट करेंगे जिधर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री था। तो ये था यस आपका सर, पोस्टुलेट 5। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर, ओके यस सर। सर इसका मतलब को इंटीरियर नहीं बनना चाहिए, को इंटीरियर से छोटा होना चाहिए ना, हाँ पैरेलल जी, नहीं बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो नॉर्मल सी बात है सर, मतलब पैरेलल नहीं होना चाहिए बस। हाँ सर टू राइट एंगल्स क्यों उसमें लिखा है सर, डायरेक्टली 180 डिग्री क्यों नहीं लिखा? टू राइट एंगल्स, क्योंकि पहले जमाने में राइट एंगल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सब कुछ उसी से मेजर किया जाता था। और सर थर्टी अगर डिग्री मेजर करना एक है, और सर अगर थर्टी एक डिग्री भी मेजर, एंगल 90 डिग्री होगा तब? क्या सर अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया तो उस टाइम पे भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? एक एंगल 90 डिग्री हो, दूसरा भी 90 तो हो जाएगा। नो सर, मैं बोल रहा हूँ जैसे जो हमें काटने वाली लाइन है वो सीधी है, और एक लाइन सीधी है और दूसरी लाइन टेढ़ी है, तो सर उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे सीधी थोड़ी, सीधी और ये टेढ़ी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अजीब ही है, ये इसको तुम ऐसे कह रहे हो, ऐसे कह रहे हो ऐसे कह रहे हो सर ऐसे नहीं, मतलब ए दो लाइंस हैं, दे आर बोथ ऑफ देम आर, मतलब सर दोनों मिलके 90 डिग्री एंगल बना रही है और एक लाइन काट रही है उन्हें। इस हाँ सर तरीके से, इसे कह रहा हूँ सर, इसी ये 90 डिग्री तो है। उससे, हाँ तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये 90 बना भी देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये ऑब्वियसली 90 से कम रखना है हमें, और ये यस 90 सर से कम नहीं, ज्यादा रखोगे, ज्यादा रखोगे, मान लो एक सेकंड के लिए 90 से ज्यादा रख देते हो तुम इस तरीके से, तब ये इधर की तरफ मिलेगा, क्यों, तब उस केस में एंगल जो कंसिडरेशन में होगा वो ये एंगल कंसिडर करेंगे, तब इधर जाके मिल जाएंगे। यस सर ठीक है जी,
तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सरसाइज 5.1, वो क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो समझ में आ रहा है कुछ? बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन देखो, पहला पार्ट। फॉल्स 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 ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, फॉल्स। सेकंड का ट्रू इनफाइनाइटली मेनी लाइन देयर सेकंड आर ट्रू सर फॉल्स इनफिनाइट लाइन कैन पास इनफिनाइट सेकंड का फॉल्स होगा क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ना बिल्कुल नहीं, यूनिक लाइन होता है, दो लाइन से, दो पॉइंट से यूनिक लाइन पास होती है, इनफाइनाइट कहां से पास हो जाएगी भाई? तो यस सर हम कह सकते हैं कि एक ही लाइन पास होगी, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इनफाइनाइट नंबर्स लाइन पास नहीं होगा। फिर है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स, ट्रू। यस ट्रू। टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, रेडियस का प्लुरल होता है रेडियस, ट्रू। टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियस आर इक्वल, ट्रू। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी अगर पी क्यू के बराबर है, ओके एंड पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, ट्रू। ट्रू सर। कैसे? फर्स्ट एक्सियम एक्सियम से। फर्स्ट एक्सियम आसान था, वेरी वेरी आसान नहीं? यस सर। जो ट्रू है हमें उनको भी जस्टिफाई करना है इसको, सर जो ट्रू चीज है। नहीं जस्टिफाई क्या, इसमें तो ट्रू फॉल्स लिखना था, सर गिव इसमें रीजन तो अपना गिव लिखा रीजंस भी था ना। था। अच्छा हाँ ठीक है, रीजन भी लिखना था, सही बात है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन को कैसे डिफाइन करें? अलाइन अलाइन दैट कैन अलाइन दैट नेवर लाइंस दैट नेवर मीट, टू लाइंस दैट लाइंस सर जेंटल दैट नेवर मीट इंटरसेक्ट है ना, या मीट द लाइंस दैट डू नॉट मीट, ठीक है। और उससे यस पहले सर। क्या किसी चीज को डिफाइन करने की जरूरत है इसमें? हाँ लाइंस को डिफाइन नो कर सर। सकते हैं। लाइन क्या होता है? नहीं लाइन क्या होता है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं हम। तो लाइन क्या होता है? जिसमें थिकनेस हो, लाइन हैज, सॉरी थिकनेस कह रहा हूँ, लाइन हैज लेंथ बट नो ब्रेथ और थिकनेस। जिसमें लेंथ होती है खाली उसको लाइन कहा जाता है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस तो कैसे डिफाइन करेंगे? जो 90 डिग्री फॉर्म 90 डिग्री करता एंगल पे जो इंटरसेक्ट कर दे रहे दोस लाइंस वी राइट कैन एंगल, एट 90 डिग्री एंगल एट राइट एंगल लाइंस लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यस सर। लाइंस लाइंस व्हिच मीट एट राइट एंगल इज, सॉरी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर के लिए बच्चों क्या सिंबल यूज होता है इस तरीके का, पता है ना सबको? उल्टा टी। उल्टा यस टी, सर। ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन बताओ। लाइन सेगमेंट इज अ पीस ऑफ लाइन दैट हैज अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज अ लाइन दैट हैज फिक्स्ड पॉइंट। ये डेफिनेशन तो थी लेकिन एग्जाम ने सर द डिस्टेंस फर्स्ट बिटवीन पोस्टुलेट ने से बिगाड़ दिया। पॉइंट्स ऑफ अ लाइन क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। इट इज अ पीस ऑफ यस लाइन। सर। हाँ लाइन सेगमेंट अ पार्ट, लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन होगा अ पार्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड पार्ट लाइन, ऑफ अ लाइन व्हिच हैव अ एंडिंग पार्ट पॉइंट, ऑफ फिक्स्ड लेंथ, पार्ट ऑफ फिक्स्ड लेंथ ऑफ अ लाइन, फिक्स्ड लेंथ फ्रॉम अ लाइन व्हिच नेवर एंड्स, ठीक है। अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड लेंथ ऑफ अ लाइन, ठीक है, सर। पार्ट ऑफ इसका फिक्स्ड लेंथ ऑफ अ लाइन। सर फिक्स्ड लेंथ सर कैसे होगी सर? पोस्टुलेट वन में तो उन्होंने बोल दिया कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट के लिए नहीं पोस्टुलेट कहा टू था, लाइन के लिए कहा था। लेकिन सर जब उन्होंने लाइन सेगमेंट
अरे लेकिन तो एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका लाइन सेगमेंट का लेंथ नहीं होगा। अगर तुमने ए और बी ले लिया दो पॉइंट्स और उसको तुमने ज्वाइन कर दिया, अब बात ये हो रही है कि इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक्सटेंड कर देने से इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए बी जो लेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी। ए बी तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी ना, ठीक है, यस सर, तुम इसको एक्सटेंड कर सकते हो, वो तो अच्छी बात है, चलो कर लो एक्सटेंड, लेकिन ए और बी जो है, ए बी जो लेंथ होगी वो तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी ना। ओके सर, तो रेडियस ऑफ फिक्स लेंथ सर्कल ही सर, होगी ना, फिक्स क्या कह रहे हो? लेंथ की होगी ना सर वो। हाँ बिल्कुल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है बच्चों? हाफ ऑफ द डायमीटर, सर हाफ ऑफ द डायमीटर डायमीटर, डायमीटर, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन होगा इसका, रेडियस ऑफ अ सर्कल। हाँ हाफ ऑफ इट डायमीटर, इज हाफ ऑफ द लेंथ विद ऑफ द ऑफ द हाईएस्ट लाइन ऑफ द मैक्सिमम लाइन दैट कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस जो होता है वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफेरेंस सर्कमफेरेंस। सर, हाँ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये कह सकते हैं रेडियस को। हाँ परपेंडिकुलर बोलो। लाइंस में हम लोग अगर उसके परपेंडिकुलर लाइंस के पहले डिफाइन करना हो तो उसको परपेंडिकुलर को भी डिफाइन करना होगा ना हमें, तो जैसे पैरेलल लाइंस में किया था हमने लाइंस को। नहीं, लाइंस को डिफाइन करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर को क्या डिफाइन करेंगे, या परपेंडिकुलर को भी डिफाइन कर सकते हो, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को लिख देंगे 1/4 ऑफ कंप्लीट एंगल। फिर ऐसे तो हमें जितना भी सब कुछ है उसको करना पड़ेगा, जो सेंटर है उसको भी करना पड़ेगा, जो सरकमफेरेंस है उसको भी करना ये सर पड़ेगा। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है सर। कंफ्यूजन क्या है, ठीक तो है, पैरेलल लाइंस इन्होंने में इसमें लाइंस ये को चीज डिफाइन गलत करना डाल दी था। कि आर देयर मोर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड, बाकी सब तो सही था। नहीं वो है तो बहुत ही सही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वही है कि हम लोग बोर हो जाते हैं इन सब चीजों से, हमें तो आदत पड़ गई है ना कि ए प्लस बी इज इक्वल टू, है ना, ए ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की यस आदत सर, पड़ गई है, तो ये थ्योरेटिकल चीजों में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल मैथ्स यही है, मैथ जो है, जो मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं उनके लिए ब्रेड एंड बटर हो जाता है ये सारी चीजें, क्योंकि उन्हें डेप्थ में जाना, चीजों को एक्सप्लोर करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो उनको बड़ा मजा आता है ये सब चीजें डिफाइन करने में, ठीक है, हमें आदत पड़ गई है कैलकुलेशन करने की, तो कैलकुलेशन से जहां कहीं भी अलग चीज आती है तो हम लोग सरेंडर कर देते हैं कि भाई ये क्या बेकार सा दे दिया, ठीक है, ये कुछ वैसा ही है जैसे कि कभी कभार ना हिस्ट्री की क्लास में बच्चे या हिंदी की क्लास में बच्चे लाइक नहीं करते हैं बैठना, उसका रीजन ये होता है कि बोरिंग लगता है, ऐसे उसी तरीके से ऐसा यहाँ भी कुछ है, तो उस यस रेडियस ऑफ सर्कल आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट है स्क्वायर, स्क्वायर सर, को कैसे डिफाइन, क्या कैसे ऑल डिफाइन साइड करेंगे बताओ। सर मैंने लिखी है सर उसमें ऑल सर कमेंट बॉक्स में, सर क्वाड्रिलेटरल दैट हैव साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सर कोऑर्डिनेट ऑल एंगल्स नाइंटी उस डिग्री साइड्स आर इक्वल एंड हैव ऑल द एंगल ऑफ 90 डिग्री। एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल दैट हैव इक्वल साइड्स एंड ऑल एंगल 90 डिग्री, ये भी लिखना जरूरी है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर डायगोनल्स इक्वल आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सर, ऑल अपोजिट ऑल साइड्स आर साइड्स एंगल्स एंड सर, ऑल ऑल अपोजिट साइड्स साइड्स आर एंड एंगल्स एंगल्स आर इक्वल। सर, बट इट्स अ पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एंड साइड्स इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री एंगल, ठीक है, तो ऑल साइड्स आर एंगल्स 90 डिग्री कर, सॉरी ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल कर दोगे अगर, तो ऐसे ही रेक्टेंगल, वो सॉरी रेक्टेंगल कह रहा हूँ, और स्क्वायर बन सर जाएगा। सर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हाँ बिल्कुल, वो भी करेंगे हम लोग, ज्योमेट्री जब सब, आएगा ना तभी वैसे तो सर करेंगे। रेक्टेंगल का भी होते सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल। हाँ अपोजिट साइड्स इक्वल हो लेकिन डायगनल्स अगर बराबर, सॉरी सर जब अपोजिट ऑल साइड्स साइड्स इक्वल है तो अगर सर डायगोनल्स जो फॉर्मूला अपोजिट है इक्वल साइड्स हो इसका तो क्या कहना है? क्वाड्रिलेटरल हो। हाँ तो सर रेक्टेंगल एक हाँ स्क्वायर ही तो होता है, रेक्टेंगल में एक अगर तरह का अपोजिट साइड होता नहीं है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, रेक्टेंगल का अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा।
ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। पहला पोस्टुलेट है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ये पोस्टुलेट है। देखो ये पोस्टुलेट तुम्हें कहीं लिखा नहीं दिखाता, लेकिन ये पोस्टुलेट है। तो ये भाई पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? एक फैक्ट, अजम्पशन, ट्रूथ, ठीक है, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ए और बी दो पॉइंट्स दिया हुआ है, तो ए बी जो लाइन होगा इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट तो हम सी ले ही सकते हैं ना। सी कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो होगा ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये पोस्टुलेट है, ठीक है, ये दो पोस्टुलेट दिए हुए हैं। ये पहला पोस्टुलेट है, कह रहा है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ऑब्वियसली ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, और इस बात को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ए और बी के बीच में कहीं पर सी पॉइंट होगा। प्रूव करो इस बात को। अरे भाई होगा तो होगा, क्योंकि ए और बी जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो उनमें से कहीं पर भी सी ले लो जहां तुम्हें अच्छा लगे। लाइन को हम ऐसे भी कर सकते हैं सर, लाइन जो है वो पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट से बनी है। हाँ जी, फिर देखो क्या लिखा हुआ है। दूसरा दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, दूसरा पोस्टुलेट क्या लिखा हुआ है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। हाँ ये बात भी सही है। मान लो जैसे पी क्यू आर ले लेते हैं, ये पी ले लिया, क्यू ले लिया, ये आर ले लिया, तो ये तीनों पॉइंट जो है सेम लाइन पे नहीं है, देख सकते हो आप पी क्यू आर। लेकिन सर हम लोग पॉलीनोमियल भी तो ले सकते हैं ना। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड टर्म ना, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है, ये चीज हो सकती है, ठीक है। ए और बी दो अगर पॉइंट लेंगे तो उसके बीच में सी बिल्कुल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीन पॉइंट्स जो है वो ऐसे हो सकते हैं जो सेम लाइन पे ना हो, ये भी बिल्कुल ट्रू बात है, सही बात है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो पोस्टुलेट है वो एक साथ सही हो सकते हैं। अच्छा, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन। अब ये यूक्लिड के पोस्टुलेट से कैसे सही बैठते हैं ये चीज हमें समझना करो। सर हमने पढ़ा नहीं था कि एक स्ट्रेट लाइन मतलब लाइन पॉइंट से बनी होती है, तो इसमें एक सी पॉइंट आ गया। करो। यस सर, सर हमने ये भी पढ़ा था सर, जो होता है सर ट्रायंगल सर थ्री डायमेंशनल फिगर है सर, वो लाइन से बन के बना है, और जो लाइंस है सर इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है ना सर, उन और तीन पॉइंट जो है वो सेम लाइन पे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तीन अलग अलग लाइनें भी हो सकती हैं। स्क्रीन जा रही है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, एक मिनट। सेकंड पॉइंट कैसे होगा? सेकेंड पॉइंट मतलब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन है, तो ये रहा ना। प्रूव कैसे करेंगे इसमें, कौन सा वो लगाएंगे पोस्टुलेट? नहीं नहीं ये तो दो पोस्टुलेट तुम्हें दे रखे हैं, ये तुम्हें ये पोस्टुलेट्स दो पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, लिखा हुआ है ना ऊपर देखो, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, ठीक है। ये दो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, मतलब दो फैक्ट्स दी हुई हैं, ठीक है। ये दोनों फैक्ट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये फैक्ट्स हैं, ये आपको दी हुई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, कोई अनडिफाइंड टर्म इसके अंदर है ऐसा? अनडिफाइंड टर्म तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है अनडिफाइंड टर्म? सर सब डिफाइंड है। हाँ सब डिफाइंड है, अनडिफाइंड टर्म तो इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। रुक जाओ लेकिन एक सेकंड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें ये क्या है। ओके एक मिनट, सर ये देखो एक सेकंड, ये रहा तुम्हारा आंसर। हाँ सर जो थ्री पॉइंट्स है इसमें इन्होंने ये ऐसे अपने हिसाब से लिया है ना, तीन अलग अलग पॉइंट्स, लेकिन हर बार तो तीन हाँ
ऐसा हो सकता है ना कि तीनों एक पॉइंट पे लाइक करें, उनको कोलिनियर पॉइंट भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने लिया ना अपने मर्जी से। हाँ तो सर आपने बोला तो था कि हमने ऐसे लिया है, ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ ऐसे भी हो सकते हैं, ये रहा आंसर, देखो ये आंसर दिया हुआ है। ये तो गलत ही बोल दिया हमने, आंसर तो कुछ और ही बोल रहा है। देखो कह रहा है कि बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स है, अच्छा सब कुछ अनडिफाइंड इसने ले लिया फिर इसमें। दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशन, से दैट गिवन पॉइंट ए एंड बी देर इज अ पॉइंट सी लाइंग बिटवीन देम, से दैट गिवन ए एंड बी यू शुड कैन यू कैन टेक सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। The postulate do not follow from the Euclid's postulates, however they follow from axiom 5.1। अच्छा ये देखो ये कई कई सारी चीजें इसने डाल दी है, यही थ्योरेटिकल चीजें डाल दी है। अब देखो तुम्हें इसको समझना पड़ेगा, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं जो तुम्हें समझना है यहाँ पर। There are several undefined terms which the student should list. They are consistent because they deal with two different situations. Say that given two points A and B, there is a point C lying on the line in between them, saying that given A and B, you can take C not lying on the line through A and B. Do this postulate contain any undefined term? थोड़ा सा तो complicated है, इन्होंने complicated बना दिया है इस चीज को। Do this postulate contain any undefined terms? Undefined term है कौन सा इसमें? कह रहे हैं ना कि अगर A B है तो जरूरी कोई ना C ही वो third point हो जाएगा। नहीं, there exists a third point कह रहा है ना, there exists a third point C which is in between A and B। ये तो सही है ना statement, इसमें गलत थोड़ी है। sir, ये statement तो सही है, between statement के बीच में। अब इसमें कहा है कि undefined term क्या है, हो सकता है question क्या है, question ये दोनों statements question नहीं है, question ये है do these postulates contain any undefined term। तो अनडिफाइंड टर्म यहाँ पर क्या हो सकता है? सर इसने पॉइंट्स ले लिया होगा शायद। हाँ मतलब ये अनडिफाइंड टर्म, ये इसमें जो है ना अनडिफाइंड टर्म ये कह रहा है कि हाँ कि जो सी पॉइंट है ना वो हम इसके लाइन के बीच में भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, तो ये सारी चीजों को अनडिफाइंड कह रहा है। ठीक है, तो यही बात है इसमें, और क्या कर सकते हैं इसमें। आर दिस लाइन लिखा है ना सर, पर लिखा तो है कि सर बिटवीन देम है सर, इनके बीच में सर, यानी लाइन पर है ना वो, फिर ये गलत कैसे हुआ? पोस्टुलेट के हिसाब से मैंने कब कहा गलत है? एक मिनट देखो पूरी बात, तुम एक तो तुम खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने गलत कब कहा है? अनडिफाइंड कह रहा है यहाँ पर, अनडिफाइंड। ठीक है, टर्म्स कौन से अनडिफाइंड है, ठीक है, गलत सही नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन को पहले समझो, ये दो स्टेटमेंट्स तो इसने दे रखे हैं, उसके बाद कह रहा है डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो वो अनडिफाइंड टर्म किसको कह रहा है? अनडिफाइंड टर्म ये कह रहा है कि एक बार तो सी जो है तुम लाइन के बीच में ले रहे हो, ए और बी के बीच में ले रहे हो कहीं पर भी, और एक बार कह रहे हो कि तुम जो तीन पॉइंट्स हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये दोनों जो है ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो यही इसी बात को कह रहा है कि अनडिफाइंड है। ठीक है, ये चीज कह रहा है, ये यानी कह रहा है कुछ गलत है, गलत तो बोल ही नहीं रहा है, अनडिफाइंड। ओके सर, मतलब एक साथ ही यूज नहीं कर सकते इन दोनों को। हाँ ये चीज है। तो आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? हाँ कंसिस्टेंट है भाई, दोनों में दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। वो तो खैर हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि अगर ए और बी पॉइंट लेंगे लाइन सेगमेंट, तो उसके बीच में सी पॉइंट ले सकते हैं, और हम तीन पॉइंट ऐसा भी चूज कर सकते हैं जो एक लाइन के ऊपर ना हो, जैसे पी क्यू आर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि ऐसा ले सकते हैं जो तीनों एक लाइन के ऊपर ना हो, तो ये बात तो ठीक है। अब इसके बाद जो ये लास्ट वाला है ना, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। तो यूक्लिड का पोस्टुलेट क्या था मुझे, मैं तो भूल गया। ठीक है, क्या था यूक्लिड का पोस्टुलेट, क्या था, याद है तुम लोगों को? सर फाइव पॉइंट, याद नहीं होगा, याद रखना पड़ेगा। हाँ याद रखना पड़ेगा, यूक्लिड का पोस्टुलेट क्या था? सर अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, लेकिन जो उनका एक्सियम था वो था गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, ये था 5.8। हां तो ये जो यूक्लिड का पोस्टुलेट था ना, वो कोई पोस्टुलेट डायरेक्टली ये नहीं कहता था। ठीक है, कि दो लाइन से अगर सॉरी दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट है तो उसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट भी होगा, ये यूक्लिड का कोई पोस्टुलेट नहीं कह रहा था।
याद कर लो अगर आप, तो चार पांच जो थे पांचों में से कोई सा नहीं कह रहा था ये बात कि दो पॉइंट्स होंगे तो उनके बीच में एक तीसरा पॉइंट भी आएगा, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर। इसीलिए कहेंगे नहीं ये जो है यूक्लिड के पोस्टुलेट से फॉलो नहीं हो रहा है, पांचों पॉइंट में से कोई पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ है इन्होंने कि हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम एक्सियम 5.1। एक्सियम 5.1 क्या था याद करो, एक्सियम 5.1 एक बार दिखाता हूं मैं, एक्सियम 5.1 क्या था, एक मिनट होल्ड करना सर। टू पॉइंट से एक यूनिक लाइन निकलती है। हाँ सर, ये इंटरेस्टिंग सर, हमारे में तो सिर्फ कुछ ही पोस्टुलेट सर एक्सियम गिवन है, क्या पता सर जो यूक्लिड है उसने ऐसे कुछ कहा हो जो हमारे बुक में ना आया हो। नहीं, तुम्हारी बुक में जो दिया हुआ है उसी के हिसाब में बात करेंगे ना, हम बाहर नहीं जा सकते, जहां पर जितना दिया हुआ है उसमें कोई बात है सर। एक्सियम तो ये गिवन टू टू पॉइंट ये है, ये था एक्सियम। देखो given two distinct point there is a unique line that passes through them, ठीक है, given two distinct points there is a unique, तो ये कैसे भाई, इसको कैसे हम कह सकते हैं, तो ये तीन पॉइंट कोलिनियर वाला जो हिसाब किताब था, देखो तीन पॉइंट जो कोलिनियर थे ना इस तरीके से, ये अगर मान लो ए था, ये बी है और ये सी है, एक सेकंड के लिए मान लो, या पी क्यू आर ले लो, सॉरी पी क्यू आर ले लो इस तरीके से, तो क्या लिखा हुआ है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देर इज अक लाइन दैट पासिस थ्रू दैम, मतलब एक पॉइंट क्यू लेंगे तो क्यू से आर पास हो रहा है और क्यू से पी पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट्स हम अगर देखें, आर और पी को अगर फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, आर और पी को फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और क्यू को भी एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, तो क्यू आर और क्यू पी जो होगा बच्चों, ये दो यूनिक लाइन पास होंगे। तो कह रहा है इससे ये फॉलो हो रहा है, एक्सियम 5.1 फॉलो हो रहा है। यस सर, हो रहा है, ठीक है। ये बड़ा अजीब सा, हाँ अजीब सा दे रखा है, ये अजीब सा दे रखा है थोड़ा सा। To consider two postulates given below. सर एक बात समझ नहीं है, जब ऑलरेडी postulates उन्होंने बता रखे हैं कि है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि they follow from Euclid's postulates? तो दो बातें सर contradict कर रही हैं आपस में। नहीं, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट का मतलब जो किताब में दिया हुआ है, एक दो तीन चार पांच करके दिया हुआ है, उसको कह रहे हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। yes, sir. तो मतलब हाँ, उसको कह रहा है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है उसको फॉलो, ठीक है मत करने तुम, ठीक है। वैसे देखो ये पोस्टुलेट, ये भी अपने आप में एक पोस्टुलेट है जो कि यूक्लिड ने नहीं कहा है और ये जो है ये भी पोस्टुलेट यूक्लिड ने नहीं कहा है, तो यही तो हमें करना था। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? नो, ठीक है। लेकिन एक्सियम को फॉलो करता है। एक्सियम कैसे, एक्सियम क्या कहता था कि एक पॉइंट से जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंस निकल सकते हैं, तो वो उस तरीके से कुछ हम कनेक्ट करके कह सकते हैं कि ऐसा होगा। तो ये इसी तरीका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अब हम लोग देखते हैं फैक्ट को लिंक कर सर। उसकी जो एलिमेंटल्स थी यूक्लिड की, वो तो सर 300 बहुत सारे पेजेस की थी, तो सर उसमें क्या ये पांच ही पोस्टुलेट थे और ये सात ही एक्सियम थे क्या, जो सारे हमारी बुक में दिए हुए हैं, तो उतने ही थे उसकी बुक में? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बुक में थोड़ा सा ही दिया हुआ है, तो क्या पता सर कि वहाँ पे बहुत सारे दिए और ये उसमें से लिया। अरे अभी अभी तो बोला मैंने, अभी तो कहा ना कि हमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको देख करके बोलना है, समझना है। अब यूक्लिड की बुक में तो मैंने तुम्हें बोल दिया, मैंने गलती कर दी बोल के, ठीक है, कि 250 पेज की किताब है उसकी, तुम्हें क्या पता, ठीक है। वो जितना लिखा हुआ है ना उसमें से तुमसे पूछा गया है वो, ठीक है। यूक्लिड की जो बुक है उससे थोड़ी पूछा गया, जितना तुम्हें बताया गया एनसीईआरटी की बुक में पांच पोस्टुलेट्स बताए गए हैं, तुमसे उतना ही पूछा जा रहा है, समझ में आया? ओके सर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि अब आ गया कैलकुलेशन करने वाला पार्ट, इसमें कैलकुलेशन करके हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, अब थियोरेटिकल नहीं है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला आ गया। If a point C lies between two points A and B such that AC और BC बराबर है। सर मैं बता सकता हूँ। Good question। सर। हम्म। सर अभी यहाँ पे दिया हुआ है AC और BC बराबर है, तो A और B के बीच में point C ले लेंगे। तो सर AC plus BC equals to AB। सर। ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, हाँ ये तीन पॉइंट लेंगे सर। सर टू ए सी इज इक्वल टू ए बी, नहीं नहीं सर, हाँ टू ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो सर ए सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू बी ए बी। यस सर।
ठीक है, ये तो गिवन है, ये पार्ट तो गिवन पार्ट था ना, जो ये लिखा हुआ है AC और BC बराबर हैं, ये तो गिवन है। तो AC और BC बराबर हैं, AC और CB भी लिख सकते हैं, BC को CB भी लिख सकते हैं वैसे हम। तो आ गया एक्सप्लेन बाय ड्राइंग फिगर, लो फिगर भी बना दिया, ये रहा फिगर, ये रहा फिगर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन इसी का लिखा हुआ है कि पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब ये कैसे होगा? सर ये तो प्रैक्टिकल सी चीज है कि उसका एक ही मिड पॉइंट होगा। यस सर। सर इसके लिए हम सर एक डी पॉइंट ले लेते हैं इन दोनों के बीच में, उसके बाद सर हम जब दोनों का इसी की तरह कैलकुलेट करेंगे तो सर हमें पता चलेगा कि जो AD है वो भी हाफ ऑफ AB होगा और जो AC है वो भी हाफ ऑफ AB होगा। तो सर यूक्लिड के एक्सियम के अकॉर्डिंग सर दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते, तो सर हो गया ऐसा ही क्या सर? पहला हमने पहले ये सॉल्व कर दिया, उसके बाद हम लोग बी पॉइंट लेके उसको भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं। बी को देखे सर, सर हमारे पास सर दोनों एक ही माने जाएंगे ना सर, पिछले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में सी मिड पॉइंट था, तो कह रहा है कि प्रूव दैट फॉर एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो मैं जान बूझ के क्या कर रहा हूँ कि दो मिड पॉइंट ले रहा हूँ इसका, सी और डी, लेट सी एंड डी आर टू मिड पॉइंट्स, ठीक है, टू मिड पॉइंट्स हमने ले लिया। अब टू मिड पॉइंट्स अगर हैं देन AC जो है वो क्या होना चाहिए, AC जो है वो क्या होना चाहिए, AB बाई टू होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर, यस सर। और AD भी क्या होना चाहिए, AB बाई टू होना चाहिए। यस सर, भाई DB मिड पॉइंट है तो AD भी AB बाई टू होना चाहिए। अब यहाँ से हम कह सकते हैं AC जो है वो AD के इक्वल है, क्योंकि ये दो चीजें इक्वल है ना। अभी ये एक्सियम था एक कि अगर AB के बराबर है और BC के बराबर है तो A और C भी बराबर होंगे, ठीक है। या हाफ वाला जो एक एग्जांपल था कि समथिंग इज हाफ अनदर थिंग इज हाफ ऑफ सेम थिंग देन दोस टू थिंग्स आर इक्वल, ऐसा कुछ एग्जांपल था ना सर। ये नंबर भी याद रखने पड़ेंगे, वही है तो ये याद रखना पड़ेगा। सर AC इज इक्वल सब होता है एग्जांपल सर। अच्छा हुआ चैप्टर हट ही गया, तो AC और AD बराबर हो जाएगा, ठीक है। और AC और AD बराबर हो गया तो भाई AC और AD कैसे बराबर हो सकता है जब C और D बराबर हो, और C एंड D या ऐसे लिखेंगे इस बात को, AC और AD बराबर होंगे बच्चों, तो इस बात को ऐसे लिखा जाएगा विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन C and D कोइंसाइड, क्या बोलेंगे, सेम कोइंसाइड, हाँ सेम, सी और डी सेम हो जाए तो, दस देयर फॉर ऐसे लिख सकते हैं, देयर फॉर अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, सी और डी कोइंसाइड हो गए, तो कोइंसाइड हो गए इसका मतलब दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं, तो एक ही मिड पॉइंट होगा। लेकिन सर बस उसके नाम बदल सकते हैं हम लोग, ऐसे सब वेरी कर सकते हैं ना वेरिएबल की तरह उसका नाम। सर एक मिनट, हाँ नाम तो रख ही सकते हैं कुछ भी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, कैन आई एक्सप्लेन? हाँ बोलो सर। इस क्वेश्चन में हमें AC इज इक्वल टू BD दे रखा है और हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD है। सर हम ऐसे करेंगे सर, AC जो है लाइन जो है वो AB प्लस BC इक्वल है, या AC माइनस BC है, और जो वो है क्या कहते हैं CD जो है वो इक्वल है BD माइनस BC के,
यस सर, सर एक दूसरे से काट दो तो सर ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को। देखो इसमें ये फिगर में लिखा हुआ है ए सी और बी डी इक्वल हैं, तो ए सी और बी डी बच्चों अगर इक्वल दिया हुआ है तो आप ध्यान से देखो, तो ए सी क्या है, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ठीक है, और बी डी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ए सी को ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं और बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। अब दोनों साइड में जो सेम चीज माइनस किया जाता है तो क्वांटिटी सेम रहती है। याद करो एक्सियम, दो क्वांटिटी दोनों साइड से सेम नंबर सबट्रैक्ट करेंगे तो सेम रहेगा, तो यही तो है, ए बी और सी डी बराबर हो जाएंगे फिर, तो यही प्रूव करना था, ए बी और सी डी बराबर। कहेंगे व्हाई एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रुथ, नॉट नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फिफ्थ पोस्टुलेट। एक्सियम 5, एक्सियम 5 था क्या भाई, एक्सियम 5 क्या था, याद है किसी को? सर अभी देखते हैं, सर 2.6 ग्रेटर देन द पार्ट, सर द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यस सर, सर होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये था फिफ्थ पोस्टुलेट। देखो ये था द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है, तो ये कह रहा है यूनिवर्सल है, व्हाई इज एक्सियम 5 द लिस्ट ऑफ Euclid's axiom consider a universal truth. इसको क्यों universal truth कहा जाता है? Because all of us are part of this world. ठीक है? And we can never be greater than the world. ये कैसे question? Because all the axioms are universal truth. यही तो होगा, ऐसे ही तो करेंगे, तो कह रहे यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ तो है ही, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सब जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसे क्या समझ सकते हैं हम कि सब जगह एप्लीकेबल होगा, अमेरिका में चले जाओ तो भी एप्लीकेबल होगा, इंडिया में रहो तो भी एप्लीकेबल, सर जैसे इंडिया वर्ल्ड का पार्ट है तो इंडिया वर्ल्ड से छोटा है, ये तो सबको पता है। हाँ ऐसे बहुत सारे जो तुम्हें अच्छा एग्जांपल लगे ना वो एग्जांपल लिख के आ जाना, ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन तो फटिक है सर, सही है, ये कट्टा बकवास चैप्टर है बिल्कुल। और भी एक्सरसाइज है इसमें? यस सर, 5.2 ठीक उसके नीचे लिखा है, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट्स अ लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू पी पैरेलल टू एल, सर यही यही कॉपी पेस्ट करना। हाँ बिल्कुल वही कर देना, कॉपी पेस्ट हो गया। चलो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, रहने देते हैं अब। हाँ मैं बोर हो गया, हो गया खत्म, हो गया चैप्टर, सब बोर कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या सर मतलब सोते रहते हो क्या क्लास में? क्या सर बच्चे अलर्ट हैं, सबको पता चल गया मैंने क्या जोक मारा अभी, तुम जोक मिस कर गए सर, फिर से बता दो जोक दोबारा क्यों बोला जाता है? आप सच्ची में चैप्टर बीच में छोड़ दोगे क्या? बीच में कहाँ छोड़ दिया, हो गया कंप्लीट, अब बीच में कहाँ छोड़ा, खत्म हो गया। अच्छा हाँ तो क्या, दो ही तो एक्सरसाइज थी। अब एक काम करें, क्या करें भाई बताओ, बिना कैलकुलेशन वाले बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं सर। लाइंस एंड एंगल्स सर, अच्छा चैप्टर है। लाइंस एंड एंगल्स से स्टार्ट करूं? एग्जांपल्स करते हैं। यस सर, अभी आधा घंटा तो है सर। सर एक सर इसकी थ्योरम है सर, 5.1 में सर इसकी थ्योरम भी है सर, इसी चैप्टर 5.1 में। हाँ सर इसकी सर थ्योरम है 5.1। अच्छा इसी चैप्टर की, ठीक है देखते हैं क्या है थ्योरम। थ्योरम भाई एक्सियम पोस्टुलेट, एक्सियम पोस्टुलेट, एग्जांपल, एग्जांपल टू थ्योरम। हाँ ये रहा ना थ्योरम, ये क्या कमाल का थ्योरम दिया हुआ है, ये रहा।
टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन. दो अलग अलग लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक लाइन ले लेते हैं जिसका नाम है एल और ये एक दूसरी लाइन है एम. ये दोनों डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, सेम लाइन नहीं है. तो या तो ये एक पॉइंट पे कट करेंगी एक दूसरे को या नहीं तो पैरेलल होंगे. दो ही बातें तो हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट लाइन है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पैरेलल होंगे या दोनों एक दूसरे को कट करेंगे. तो यही चीज है थ्योरम, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट. तो ये है कॉमन पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट क्या कहलाएगा, कॉमन पॉइंट है ये. इंटरसेक्टिंग जहां पर हो रही है ना वहां पर, इसी को कॉमन पॉइंट बोलेंगे. और इसमें तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, दोनों लाइन मिल ही नहीं रहे हैं इसमें. और ये दो डिस्टिंक्ट लाइंस हैं. एक केस ऐसा भी होता है कि लाइंस डिस्टिंक्ट नहीं होकर के कोइंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे एक लाइन के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर देना. हाँ, तो उसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे, बट ये दोनों डिस्टिंक्ट लाइन नहीं रहेंगे फिर. ये दोनों क्या है, जैसे इसमें लिखा ना टू डिस्टिंक्ट लाइंस, तो डिस्टिंक्ट लाइंस नहीं होंगे उस केस में, सेम कोइंसिडेंट. ये थ्योरम था. हाँ, ये कोइंसिडेंट मतलब थ्योरम था, ये बहुत ही सिंपल सा इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा हुआ है, थ्योरम लिख दिया नाम. हाँ, हालांकि उन्होंने, तो आप समझ सकते हो इस बात को. आई होप समझ में आ गया होगा सबको. यस सर, समझ आ गया. समझ में ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अभी नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर करें बच्चों. यस सर, दूसरा चैप्टर. यस सर. सर लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स करें. ठीक है, रुको एक मिनट, इसको बंद करने दो मुझे. लाइंस एंड एंगल्स में क्या क्या दिए. सर जो चैप्टर कट कर दिए सीबीएसई ने, वो जीएसटीएससी में आएंगे ना. कौन से चैप्टर कट किया बताओ, तो बहुत सारे कट कर दिए हैं सर. 30% का नाम बताओ. अच्छा सर, जैसे में से भी बहुत कुछ कट गया सर. जो आइडेंटिटी थी x plus y minus z cube वाली, शायद वो आइडेंटिटी सर, ये वाली सारी प्रॉपर्टी जीएसटीएससी में आएगी सर. सर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स मेरी मैडम बोल रही थी, वो भी कट हो गया है. एरियाज ऑफ उससे वो तो जीएसटीएससी में आएगा. जीएसटीएससी में एक सुनो, जीएसटीएससी में जो है ना एक ये जो चैप्टर है ना यूक्लिड वाला, यूक्लिड क्या नाम था इसका, यूक्लिड ज्योमेट्री, इस चैप्टर को. हाँ, इस चैप्टर को छोड़ के सारे चैप्टर आएंगे. ठीक है, इम्पोर्टेंट है. ओके सर. यस सर. चलो बच्चों, कौन सा चैप्टर करेंगे अगला चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर. चैप्टर नंबर बच्चों सिक्स्थ. और ये क्या है. हाँ, एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन चली गई है, अभी अभी आ जाएगी. ये रहा, आ गई स्क्रीन. बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, तो ये हम लोग देखते हैं क्या है. मुझे लिखना नहीं पड़ेगा ना, इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको. यस सर. ये देखो बच्चों, ये कह रहा है कि बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन. ये सारी चीजें मेरे ख्याल से तुम लोगों को पता होगा पहले से ही, लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं. लाइन सेगमेंट क्या होता है, टू एंड पॉइंट्स होते हैं उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, सबको पता है क्या होता है. रे क्या होता है, हाँ बोलो. बच्चे पूछ रहे हैं सर सिलेबस जीएसटीएससी का डेट पूछ रहे हैं. यस सर. डेट पूछ रहे हैं किस चीज का सर. जीएसटीएससी का अभी थोड़ी होगा, अभी अभी टाइम है उसमें. वो नवंबर में आता है, अक्टूबर तुम्हें बता दिया जाएगा. जब फॉर्म आएगा ना तो तुम्हें बता देंगे कब फॉर्म फिल करना है. स्कूल से फॉर्म फिल होता है, ठीक है, स्कूल से पता करके आना. तुम्हारे स्कूल से ही फॉर्म फिल होगा और स्कूल से बाहर से नहीं होता है फॉर्म फिल, ठीक है. तो स्कूल वालों से टच में रहना, तो वो तुम्हें बताएंगे और इधर से भी इन्फॉर्म कर देंगे. अभी टाइम है उसमें, अगस्त सेप्टेम्बर में नोटिफिकेशन आता है उसका और फरवरी में एग्जाम होगा, फरवरी अगले अगले साल, ठीक है. जनवरी के लास्ट वीक में, जनवरी के लास्ट वीक में नहीं तो फरवरी में एग्जाम होगा. ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से.
अच्छा जी, सिंबल किसके लिए यूज करते हैं? जैसे लाइन सेगमेंट है, अगर लाइन सेगमेंट अगर कहीं पर दिया हुआ है ये ए बी, तो उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? सबको पता है कैसे सिंबल यूज करते हैं ये, है ना? और लाइन के लिए कैसे यूज करते हैं? इस तरीके से लाइन के लिए ये होता है, ये लाइन के लिए होता है, दोनों तरफ एरो देते हैं सर, दोनों तरफ इनफाइनाइट शो कर। हाँ, और ये किसके लिए होता है? रे के लिए। Yes, एक तरफ एरो है तो, एक तरफ एरो है तो रे, ठीक है, और खाली ऊपर बार लगा हुआ है, अगर बार लगा हुआ है तो लाइन सेगमेंट। समझ रहे हो सब बातें? कोलिनियर पॉइंट समझते हो किसको कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, जब तीन या उससे ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं उसको कोलिनियर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो बच्चों, ये देखो ये तीन पॉइंट्स हमने बना दिए, ठीक है, ये एक, ये दो, ये तीन, चार भी ले सकते हो, ये चार, ये चारों अगर एक लाइन में है देख सकते हो आप यहाँ पर, तो ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। लेकिन अगर मान लो ये बना दिया हमने, तो ये जो तीन पॉइंट्स है ना, ट्राइंगल बन गया, तो अब ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन के मतलब ऊपर एक होना, लाइन पे। बिल्कुल, और नहीं तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर दो से ज्यादा पर तीन पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर नहीं है तो उनको क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये बात समझ में आई सबको? अब यस सर, एंगल जो है वो क्या होता है? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट्स। मतलब एक ये तुमने मान लो रे तुम्हारे पास है, एक ये रे है और ये एक रे है, ये एक रे है आपके पास, एक रे, और यही रे जो है इधर टर्मिनेट हो गया। दोनों का कह सकते हैं कि टर्मिनल पॉइंट सेम ही है, ये पॉइंट ओ पॉइंट टर्मिनल पॉइंट है दोनों का, ओ यस पॉइंट। सर, इनफाइनाइट तो ये जो रेंज में एंगल निकल फिगर, सकते। हाँ ये जो फिगर बन रहा है इसी को आप क्या कहते हो? एंगल कहते हो, ठीक है, एक्स एक्स एंगल है ये मान लेते हैं। यस सर, ठीक है, तो ये था। और द रे मेकिंग एंगल आर कॉल्ड आर्म्स, इसको आर्म्स कहते हैं, सर ये ये भी पढ़ा है आर्म्स हम। है। हाँ, ये भी, ये क्या कहलाते हैं? ये दोनों क्या कहलाते हैं बच्चों? आर्म्स कहलाते हैं। ये लाइन और ये लाइन जैसी जो रे बनी हुई है ना, रे को आर्म्स कहते हैं। ओके, और ये वर्टेक्स कहलाता है जहां पर दोनों मिलते हैं, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, ये ओ पॉइंट जो है यस ये सर, वर्टेक्स कहलाता है। अच्छा, एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 के बीच वाले एंगल को राइट एंगल किसको कहते हैं बच्चों? 90 डिग्री वाले एंगल को। और ऑब्ट्यूज समझते ही होगे, स्ट्रेट एंगल समझते हो यस किसको सर, कहते हैं? 180। रिफ्लेक्स एंगल समझते हो किसको कहते हैं? 180 to 360। समझते 180 to 360। सारी बातें 180 to 360। आई थिंक बताने की इसमें जरूरत कुछ मुझे लग नहीं रही है, तो भी आओ बहुत हम लोग जल्दी नेक्स्ट खत्म हो टॉपिक जाएगा। देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन करने होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल सब कुछ जानते हो ये सब? यस सर, कॉम्प्लीमेंट्री यस सर, जो कॉम्प्लीमेंट्री है और 90 सप्लीमेंट्री 180। लीनियर पेयर समझते हो? हाँ यस सर, यस सर, सर 180 दोनों टू सर लाइंस जो 180 180 डिग्री पॉइंट का हो हो जाते हैं उन सर। दोनों का सम 180 डिग्री हो। यस सर, दो एंगल जैसे ये एक मान लो, ये तुम्हारा एक लाइन लाइन है और ये एक रे है इस तरीके से, तो ये जो दोनों एंगल्स होते हैं लाइन के ऊपर एंगल होते हैं जिन्हों हाँ लीनियर पेयर सर, कहलाते हैं, लीनियर एक्स पेयर और वाई, होगा ये सर। एक दोनों एंगल को लीनियर एक्स ले होते ले, हैं। को y x + y = 180। लीनियर होगा सर। सर एक चीज पूछनी थी सर, सर एक सेकेंड बोलो। लीनियर पेयर सर, जैसे एक्स एंगल को भी यहाँ पे हम लोग एक्स एंगल जो है उसको भी हम लोग वो कर देंगे, डाइसेक्ट कर देंगे सर, तो दो दो रेज हो जाएंगी, तो वो तीन एंगल्स भी लीनियर पेयर में ही आएगा ना? नहीं, तो तीन लीनियर पेयर में नहीं आएगा, तीन जब एंगल्स हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सर मतलब अगर इस तरीके से कुछ हो जाए, इस तरीके से कुछ हो जाएगा, तो ये जो एक दो तीन चार बना दिया, वैसे तो चार बन गए, तो ये सारे एंगल्स इसको क्या कहेंगे? एंगल्स ऑन अ एंगल स्ट्रेट ऑन द स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये यू है, तो जब तुम लिखोगे एक्स सबका प्लस सम वन वाई एट्टी प्लस होगा। जेड प्लस यू 180 होगा, तो उसको रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन, ठीक स्ट्रेट लाइन। है, और इस केस में एक्स प्लस वाई जो तुम लिखोगे 180 डिग्री, तो उसके साथ रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्या है? लीनियर पेयर्स। दो एंगल होता है तो यस सर, पेयर, पेयर का मतलब ही होता है क्या बच्चों? पेयर का टू मतलब होता है दो। ये देखो वर्टिकली अपोजिट भी सभी बच्चे जानते होंगे क्या होता है यस सर, ना? यस सर, सेम यस सर, ये इंटरसेक्टिंग जो लाइन से एंगल बनता है है ये वो, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, नहीं? और और सर उनका सम भी 180 डिग्री होगा ना? नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते सिर्फ हैं, ये जो इक्वल्स एंगल्स हैं ये होंगे क्या है? हाँ, सर, ये इक्वल। इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो लाइंस दिए हुए ना अगर,
तो ये जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली वर्टिकल वर्टेक्स ये रहा और वर्टेक्स के अपोजिट में ये एंगल्स हैं, ये एक वर्टेक्स के साइड में है दूसरा अपोजिट साइड में, इसीलिए वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। और ये दोनों बराबर होते हैं। 7th और 8th में पढ़े। हाँ पता नहीं मैं फिर क्यों करा रहा हूँ, नहीं कराना चाहिए। नहीं यस सर, पेयर ऑफ एंगल्स कराओ सर, कराओ डिवीजन हो जाएगा। यस सर करा दो, सर रिवीजन मतलब सर करा दो, रिवीजन हो जाएगा। अच्छा देखो ये एग्जाम होता है, कि एग्जाम दिया हुआ है तुम्हारी बुक में। हाँ सर लीनियर एग्जाम दिया है। ये देखो एग्जाम, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स हु फॉर्म द 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर था, अभी था वही लीनियर पेयर जो किया हुआ है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, इस पे रे बना दिया, तो दो जो एंगल्स हो रहे हैं ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एक्स का मतलब सर जो लीनियर पेयर होता है उसे हम 6.1 एक्सियन कहते हैं। सही बात है, है ना सर? सर सारे एग्जाम्स हमें नंबर से याद करने पड़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारी चीजें ना, 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 नहीं नहीं याद करने पड़ेंगे। ये लिख देना तेरा जो रीजन बताया ना अभी, ये बताया वो, ये अभी अभी तो बताया था, ये वाला भी बताया था, हालांकि एग्जाम फॉर्म में लिखा हुआ है द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। अच्छा ये उस इसका रेसिप्रोकल है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कि इस तरीके से दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, है ना, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, अगर x plus y 180 दिया हुआ है, if x plus y is 180 degree, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, then non common arms of the angle form a line, मतलब non common arms का मतलब ये जो है ना ये नीचे दोनों लाइन बनाते हैं, लाइन बनाएंगे ये, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरीके से। यस सर दोनों रेज, लेकिन सर देखा जाए तो वो दोनों रेज ही हैं, वो दो रेज में डिवाइडेड है इस पॉइंट की वजह से। इसका मतलब ये है ना कि सर दोनों रेज जो हैं सब वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इनफिनिटिक लाइन बना रही है। बिल्कुल। एक मिनट देखो बच्चों, नेक्स्ट है थ्योरम। थ्योरम दिया हुआ है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो हमने अभी अभी किया था, ये थ्योरम है। एक होता है एक्सियम और पोस्टुलेट, ठीक है, एक्सियम और पोस्टुलेट जो होते हैं ना वो फैक्ट्स होते हैं, ये फैक्ट्स होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, फैक्ट्स और एजम्पशंस। लेकिन थ्योरम जो है, हाँ थ्योरम जो होता है वो एजम्पशन नहीं होता है, थ्योरम प्रूवन होता है सर। हाँ, जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं सर साइंस में। तो थ्योरम जो होता है उसको हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो थ्योरम 6.1 देखो क्या लिखा हुआ है, थ्योरम 6.1 है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये रहा दो एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यही पढ़ा था और सर अब इसे थ्योरम 6.1 बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो देखो अब ये देखो इसको नाम अगर हम ओ दे देते हैं, ये ए दे देते हैं नाम इसका, इसका नाम हम बी लिख देते हैं, इसका नाम अगर सी लिख दें और इसका नाम डी लिख देते हैं, तो देखो क्या होगा। अब ये दो लाइंस हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी ये हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे पता है? एक्सियम से, एक्सियम था ये लीनियर पेयर वाला, तुम एक्सियम मत लिखना, तुम क्या लिखोगे, लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर अभी बताया था ना मैंने, लीनियर पेयर लिखना है, एग्जाम के नाम से याद नहीं करना है, लीनियर पेयर है, इसीलिए जो है ये सम 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इस एंगल को AOD को मैं ध्यान से देखना कि क्या मैं 180 डिग्री माइनस x लिख सकता हूँ, समझो BOD तो x है बच्चों, BOD एंगल x है। यस सर सब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, लिख सकते हैं। ऑल्सो ऑल्सो फिर से देखो, ध्यान से देखो, AOD एंगल प्लस एंगल AOC ये भी तो 180 डिग्री होगा। यस सर लीनियर सर लीनियर पेयर है ना, ये भी तो लीनियर पेयर है, ध्यान से देखो इस लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, इधर से देखेंगे अगर, तो इधर से देखेंगे तो लीनियर पेयर है।
अच्छा एओडी को क्या लिखेंगे, एओडी तो यहाँ से देखो क्या है, एओडी की वैल्यू इधर देखो, ये बॉक्स में, इस बॉक्स में देखो बच्चों, एओडी की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एक्स और एओसी। एओसी क्या है देखो ध्यान से, एओसी क्या लिया हुआ है, एओसी क्या लिया हुआ है, पाई। आ गया एक्स इज इक्वल टू वाई, यस सर, यही प्रूव करना था, और यही प्रूव करना था, देयरफॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये थ्योरम था जिसको हम लोग एक्सियम के हेल्प से प्रूव कर सकते थे। एक्सियम क्या लिया है हमने यहाँ पर, लीनियर पेयर वाला एक्सियम लिया है, लीनियर पेयर में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यस सर, आया सभी बच्चों को? यस सर, क्लियर। ओके ठीक है जी, अब क्वेश्चन करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल और तो सब कुछ पता है ही तुम लोगों को। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। फिगर 6.13 में लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई। सभी बच्चे ट्राई करके आंसर बताओ तो। सर मैं बताऊं? बताओ सर। पहले सर मतलब जो बी ओ डी है तो सर ए ओ सी वो हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा बी ओ डी के, तो सर वर्टिकली अपोजिट, तो सर ए ओ सी आ गया हमारा 40 डिग्री, तो सर हम सर इससे बी ओ ई निकालेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, तो सर इससे सर हमारा बी ओ ई निकल जाएगा। और सर 30 डिग्री सर, इसके बाद सर हम सर इसके बाद सर हम सी ओ ई निकाल सकते हैं, ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो सर इस हमारा सी ओ ई निकल जाएगा। सर सी ओ ई आ रहा है हमारा सर 110 डिग्री। यस सर, एंड सर इसका रिफ्लेक्स आ रहा है 250 डिग्री। ओके ठीक है, देखो सर रिफ्लेक्स निकालने के लिए सर जैसे x प्लस y प्लस COE प्लस 40 ये सबको प्लस कर देंगे सर, तो 180 प्लस 40 होता है सर 220, तो वो 360 माइनस 220, तो इसका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। देखो बच्चों AOC जो एंगल है, AOC एंगल जो है वो BOD एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ध्यान से देखो ठीक है। AOC एंगल जो है कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, लीनियर पेयर से है ये ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है, ये लीनियर पेयर क्यों लिख दिया, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा यहाँ पर, लीनियर पेयर नहीं होगा, ये क्या होगा बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर एओसी 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अच्छा अच्छी बात है, फिर इसके बाद एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है, ध्यान से देखो लीनियर पेयर है ये, एलपी मतलब लीनियर पेयर। यस सर, सीओडी एक लाइन है ठीक है, ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, ध्यान से देखो एओडी और एओसी, तो AOD की वैल्यू कितनी है पता नहीं, AOD तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन AOC तो मालूम है, AOC तो ऊपर ऊपर अभी अभी पता किया हमने, कितना पता किया भाई, 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो AOD कितना हो जाएगा बेटा, 140 हो गया ठीक है, AOD 140 हो गया, यही तुम्हारा क्या है पता है, नहीं ये नहीं पता है तुम्हें, रिफ्लेक्स एंगल जो पूछा है ना, ये 40 इसमें ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब 140 हो जाएगा। पूछा क्या है वैसे, अभी BOE पूछा है ना, अब BOE निकालना पड़ेगा, तो BOE कैसे निकलेगा भाई, अब देखो ये x निकल चुका है हमारा,
अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना पड़ेगा, मैं सोचा एक बार में ही आ जाए, एक बार में नहीं आ रहा आंसर। वेरी गुड, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एओडी आ गया, 140 आ गया एओडी। तो सर एंगल बीओई सर एओसी प्लस बीओई इज इक्वल टू 70 करके हो जाएगा और सर बीओई 30 डिग्री आ जाएगा। सर बीओई 30 आ जाएगा सर। सर एओसी हमें 40 मिल गया ना, तो सर फिर हमें सर ये 70 गिवन है। एंगल बीओई, एंगल बीओई निकाल सकते हैं। एंगल बीओई इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हो एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे भाई, लीनियर पेयर से है ना। लेकिन बी और हमें दे भी रखे सर, एंगल बी बी ओ ई को बी ओ ई को सी ओ ए कितना है, एक्स, एक्स का मतलब 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो बी ओ ई कितना हो जाएगा बच्चों, बी ओ ई हो जाएगा 140। ठीक है सर, क्वेश्चन में एंगल एओसी प्लस बीओई। सर सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, एओसी प्लस बीओई, सर एओसी की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है, तो सर एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन में क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। यस सर, 70 डिग्री सर, फिर एओसी की वैल्यू 40 दे रखी है सर, फिर बीओई की वैल्यू 30 आ जाएगी। हाँ, सर फिर एओसी प्लस बीओई इज इक्वल टू, ये इस चैप्टर में ना बहुत ज्यादा हंगामा होने वाला है, मैं अभी से तुम लोगों को बता देता हूँ। क्यों पता है, क्योंकि इसमें सारे बच्चे कहेंगे मैं बताऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, लड़ाई हो जाएगी फिर। तो ये आ गया तुम्हारे पास, देखो ये जो दिया हुआ है ना, एओसी प्लस बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री, इसमें हम एओसी की वैल्यू 30 निकाली है, तो बीओई 30 हो जाएगी है ना। बीओई कितनी हो जाएगी एंगल बेटा, 30, 70 माइनस 30, और सर फिर एओसी प्लस बीओई प्लस सीओई तो इज इक्वल टू वो आ रखा है ना सर, सर एओसी बीओई बीओई 180 एंगल जोन स्ट्रेट लाइन उससे निकल जाएगा, फिर दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी है तो सर आ जाएगा आंसर। सर एंगल जोन स्ट्रेट लाइन एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल सीओई ये हो जाएगा 360 माइनस 110। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कुछ बच्चों को, लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा। 250 डिग्री आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, सही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Over हो गई क्लास। हाँ, BOE angle 30 degree आ गया और reflex angle 250 आ गया। सर एक सेकेंड सर। हाँ बोलो। सर हमने तो पहले AOD निकाल लिया था, तो ऐसे भी तो कर सकते थे, x plus y 70 था, 70 plus 40 plus 140। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, बिल्कुल सही। या फिर नीचे वाला तो पूरा 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री प्लस x प्लस y। Exactly, बिल्कुल कर सकते थे। बहुत सारे तरीके हैं करने के। बहुत yes, तरीके। Yes sir, इसके बहुत सारे तरीके। और इसलिए हंगामा हो जाएगा इस चैप्टर में ना, हंगामा हो जाएगा, ठीक है? इस चैप्टर में हंगामा हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे मैं करूंगा तो मैं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा मैं वैसे करूंगा, तो बहुत ज्यादा हंगामा होगा, ठीक है? तो अगली क्लास में मिलते हैं हंगामा में, ठीक है? बाय। Yes sir, bye. Hello sir.